हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम हैक्स। आज का जो टॉपिक है वो है डाइट चार्ट। वो जब हमें बच्चा 6 महीने का हो जाए तब शुरू करना होता है। बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने से पहले कोई भी सॉलिड फूड रिकमेंडेड नहीं है। अगर माँ का दूध इनसफिशिएंट है या फिर किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। डेयरी का दूध या गाय भैंस का दूध हमें नहीं देना चाहिए। शुरुआत में जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो वो दूध से थोड़ा सा ही गाढ़ा होना चाहिए। जो बातें हमें याद रखनी चाहिए, सकता है बच्चा शुरुआत में खाना ना खाए या फिर थूक दे या फिर उल्टी कर दे। इस चीज से घबराए नहीं, ये सभी के साथ होता है। दूसरी बात, हमें बच्चे को शुरुआत के 1 साल में नमक और चीनी नहीं देनी है। तीसरी बात, हो सकता है बच्चा कुछ पसंद करे या फिर कुछ बिल्कुल भी नापसंद करे। जो बच्चा पसंद कर रहा है उसकी मात्रा हमें बढ़ा देनी है और जो बच्चा रिजेक्ट कर रहा है वो हमें तब खिलाना जब बच्चे को बहुत अधिक भूख हो। हमें वैरायटी रेगुलर बेसिस पे चेंज करती रहनी चाहिए जिससे बच्चे का टेस्ट डेवलप हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा डाइट चार्ट। सुबह सबसे पहले बच्चे को माँ का दूध ही पिलाए या फिर फॉर्मूला मिल्क दे। शुरुआत में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के 2 से 3 घंटे बाद कोई सा भी एक फल खिलाएं, जैसे कि सेब की प्यूरी, मसला हुआ केला या नाशपाती की प्यूरी, एवोकाडो की प्यूरी या चीकू को मसलकर। 7 महीने का हो जाने के बाद बच्चे को हम मसला हुआ पपीता या प्यूरी खिला सकते हैं, मसला हुआ आम या प्यूरी, तरबूज को मसलकर या फिर जूस या फिर फलों को मिलाकर बनाई गई प्यूरी। ध्यान रखिए, शुरुआत में हमें बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है, ना कि उसका पेट भरना है। शुरुआत में फल की जो मात्रा है वो 2 बड़े चम्मच ही रखनी है। जैसे जैसे वो मांग करे हमें बढ़ाना है। 2 घंटे हो जाने के बाद में हमें वापस ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला मिल्क देना है। ध्यान रखे, हमें गाय का दूध या भैंस का दूध या फिर कोई भी दूसरा दूध हमें नहीं देना है जिससे हम बच्चे को एलर्जी हो सकती है। दूध पिलाने के 2 घंटे बाद कोई भी एक आहार दे। नमक और हल्दी में बनी हुई मूंग की दाल, राइस पॉरिज, दाल चावल की खिचड़ी, दही और चावल को मसल कर, ओट्स और सब्जियों की बनी हुई खिचड़ी, जो और मूंग दाल की बनी हुई खिचड़ी, इनमें से कोई भी एक हम दे सकते हैं। ध्यान रखें, बच्चे को कभी जबरदस्ती ना खिलाएं। शुरुआत में दिया हुआ लंच 3 से 4 बड़ी चम्मच ही होना चाहिए। जैसे जैसे वो डिमांड करे हमें बढ़ा सकते हैं। नियमित समय पर खिलाने से बच्चे का एक रूटीन बन जाता है। बच्चे को उसी समय अच्छी भूख भी लगती है। दिन में बच्चे को सुलाने के बाद में शाम को उसे दोबारा ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क दे। दूध पिलाने के 3 से 4 घंटे बाद हम उसे डिनर देंगे। इनमें से कोई भी आप एक उसे आहार दे सकते हैं। सूजी का उपमा, दलिया मूंग की दाल के साथ बना हुआ रागी पॉरिज, सब्जियों का बना हुआ सूप जिसमें हम गाजर, कद्दू और शकरकंद शुरुआत में ले सकते हैं, साबूदाना की बनी हुई खीर या चावल की खीर। बच्चे को सोने से पहले माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।